हे गाइस, होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, तो अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो जी हाँ, NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया है 11 अप्रैल पब्लिक नोटिस में। अगर ध्यान दे तो इस नोटिस में क्या किया गया है कि इनवाइट किया जा रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए फॉर ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए, और ये एग्जामिनेशन जो है वो PG एज वेल एज PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 2024 के लिए। तो इसके लिए एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है 11 अप्रैल 2024 के लिए NTA द्वारा। अगर इस नोटिफिकेशंस के इंफॉर्मेशंस के बारे में देखें तो ऑनलाइन सबमिशन जो है एप्लीकेशन का, वो वेबसाइट यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके थ्रू 11 अप्रैल से लेके 11 मई तक जो है वो चलेगा। इस दौरान जो है अपने आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट फॉर द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ द फी थ्रू द क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग और UPI, ये 11 मई तक जो है वो दिया गया है। मतलब लास्ट डे जिस दिन आप फॉर्म फिल करेंगे उसी रात 11:50 PM तक जो है वो आप पेमेंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फी का। इसके अलावा जो है अगर किसी भी तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं और उसमें जो है कोई मिस्टेक्स हो जा रही है, तो उसके करेक्शंस के लिए पर्टिकुलर्स जो है वो ओपन होगा या विंडो ओपन होगा 13 से 15 मई के बीच में। यानी 13 से 15 मई के बीच में आप अपने फॉर्म को फिर से रिकरेक्ट कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन जो अगर किसी वजह से गलत भर दिया गया हो, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो अनाउंस किया गया है वो है 29 जून, यानी 29 जून को जो है वो डेट ऑफ एग्जामिनेशन ICAR का अनाउंस किया गया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, 29 जून, यानी 29th of June 2024। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो मेंशन किए जाएंगे। मीडियम जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जो है वो दिया गया है, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम को जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स रखा गया है। जी हाँ, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपका जो ICAR का एग्जामिनेशन आप अगर देने वाले हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। 11 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो चुका है और 11 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 13 मई से 15 मई के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगा, और इस दौरान किसी भी गलती को फॉर्म में भरे गए अगर आपने कोई गलतियां करी हैं तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 29th of June को दिया गया है। टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मोड लैंग्वेज को चूज किया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स 2 आवर्स रखे गए हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, एक सेम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम सिटीज, टाइमिंग से सारी चीजें आपको जो है एग्जाम जो प्रोसीजर्स है सब कुछ इन्फॉर्मेशन ब्रॉशर या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा। याद रहे कि आप इसी दौरान जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी तरीके का जो है ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। अगर कोई भी क्वेरी और क्लेरिफिकेशन चाहिए तो आप इस हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस mail ID पे लिख सकते हैं। तो ये रहा इंफॉर्मेशन, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।